नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। क्या आपको 2 दिसंबर 1984 का वो दिन याद है जिस दिन 3,787 लोगों की मौत हुई थी? आज से 38 साल पहले भोपाल में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे लोग आज भी उस हादसे को सुनकर सहम जाते हैं। तारीख 2 दिसंबर 1984 थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक से एक ऐसी हवा चली जिससे लोगों की जान जाने लगी। बता दें कि 2 दिसंबर की रात करीब 8:30 से लेकर 3 तारीख आने तक की जहरीली हवाएं चलने के साथ लोगों की जान जाने लगी। इसका कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में मिथाइल आइसोनेट गैस का लीक होना। गैस के लीक होने की वजह थी टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोनेट गैस का पानी से मिल जाना। इससे टैंक में दबाव बन गया और वो खुल गया। फिर इससे निकली वो गैस जिसने हजारों की जान ले ली और लाखों को विकलांग बना दिया, जिसका दंश आज भी दिखाई पड़ता है। तो आइए आपको बताते हैं इस हादसे के पीछे एक पूरी कहानी कि कैसे हुआ था भोपाल में ये गैस लीक हादसा। 2 से 3 दिसंबर की रात भोपाल के लिए वो रात थी जब हवा में मौत बह रही थी। फैक्ट्री के पास ही जुग्गी बस्ती बनी थी, जहां काम की तलाश में दूर दराज गांव से लोग आकर रह रहे थे। इन जुग्गी बस्तियों में रह रहे कुछ लोगों को तो नींद में ही मौत आ गई। जब गैस धीरे धीरे लोगों के घरों में घुसने लगी तो लोग घबरा कर बाहर आए, लेकिन यहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब थे। किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हाफते हाफते ही मर गया। वहीं इस तरह के हादसे के लिए हर कोई हैरान था। बताते हैं कि उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी घंटों तक बंद रहा था, जबकि उसे बिना किसी देरी के ही बजना था, लेकिन वो अलार्म भी बंद था। और वहीं जैसे जैसे रात बीत रही थी अस्पताल में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन आलम ये थे कि डॉक्टर्स भी मरीजों को बस तसल्ली दे रहे थे, क्योंकि डॉक्टर को भी मालूम नहीं था कि आखिर हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। वहीं आइसोलेट के संपर्क में आने वाले लोगों के लक्षण डॉक्टर को तत्काल पता नहीं चल पा रहे थे। फिर भी अस्पताल में भोपाल गैस रिसाव के पहले 2 दिनों में लगभग 50,000 से ज्यादा रोगियों का इलाज किया गया था। पीड़ित लोगों की माने तो सरकार ने 8 घंटे में गैस रिसाव का काबू पाने की घोषणा की थी, लेकिन गैस ने किस कदर तबाही मचाई थी उसका परिणाम ये है कि भोपाल शहर 38 साल बाद भी इसकी चपेट से बाहर नहीं निकल पाया। बता दें कि इस हादसे का मुख्य आरोपी था वॉरेन एडसन, जो इस कंपनी का सीईओ था। 6 दिसंबर 1984 को एडिसन को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अगले ही दिन 7 दिसंबर को उन्हें सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया और वहां से वो अमेरिका चले गए। इसके बाद एडिसन कभी भारत लौटकर नहीं आए। कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया था। 29 दिसंबर 2014 को फ्लोरिडा के वीरो बीच पर 43 साल की उम्र में एडिसन का निधन हुआ। गैस लीक होने के 8 घंटे बाद भोपाल को जहरीले गैस के असर से मुक्त मान लिया गया था, लेकिन 1984 में हुई इस घटना से मिले जख्म 36 साल बाद भी उभरे नहीं हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ में।